नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल डेली स्टडी पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटी जीके का मॉक टेस्ट चल रहा है अपना, जो कि आज का जो मॉक टेस्ट है पार्ट 6। इससे पहले 5 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें कि हर वीडियो में 20-20 करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप देख लीजिएगा। तो आज देखते हैं पॉलिटी जीके का पार्ट 6। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 5 तक में हमने 100 क्वेश्चन देख चुके हैं, आज जो होगा 101 नंबर से। क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है आपको बताना है। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर होगा ए नंबर ऑप्शन, अटल बिहारी वाजपेयी। जी हां, अटल बिहारी वाजपेयी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया गया था? जी हाँ, आपको बताना है वह तारीख जिस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था, तो वह है डी नंबर ऑप्शन 1948। जी हाँ, 1948 में जो है 10 दिसंबर 1948 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं, तो इसका जो उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन 15। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ने वाला पहला विशिष्ट संगठन कौन है? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन जो है वह है आपका बी नंबर ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वह है वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? आपको बताना है वह देश जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो इसका उत्तर जो होगा बी नंबर ऑप्शन, जर्मनी। जर्मनी नहीं है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, बाकी बाद अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र है? जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत जो राष्ट्र है वह है सी नंबर ऑप्शन 193। जी हाँ, 193 देश जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की संख्या जो है वह है सी नंबर ऑप्शन 15। जी हाँ, 15, और इसमें जो है 15 में 10 वो अस्थाई सदस्य होते हैं और 5 अस्थाई। 5 अस्थाई सदस्य जो है देश, उसका नाम अगर जानने की कोशिश करें तो वह है फ्रांस, उसके बाद रसिया है, उसके बाद है अमेरिका, उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद इंग्लैंड जिसे आप ब्रिटेन भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य जो होती है 15, जिसमें कि 10 वो अस्थाई सदस्य होते हैं और 5 अस्थाई सदस्य होते हैं, और 5 अस्थाई सदस्य जो है वह है फ्रांस यानी कि फ्रेंच, रसिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड जिसे ब्रिटेन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, आपको बताना है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय जो है वह है जेनेवा में। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका अगर आप उत्तर जानते हैं तो कमेंट में करके ज़रूर बताइए। चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका,
क्वेश्चन नंबर 111 है आपका, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? जी हाँ, रेड क्रॉस का संस्थापक जो था वह था जे एच ड्यूनांट। जी हाँ, जे एच ड्यूनांट जो है रेड क्रॉस का संस्थापक था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, तो इसका उत्तर होगा 1945, जो कि 24 अक्टूबर 1945 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अस्तित्व में आया था, 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वह है हेग में। जी हाँ, नीदरलैंड्स में है ये हेग में, जो कि 3 अप्रैल को जो है 1946 की इसकी जो है स्थापना हुई थी। 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? नीदरलैंड्स की हेग में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी? जी हाँ, आपको उस महिला का नाम बताना है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र भारतीय महिला बनी थी। वह है डी नंबर ऑप्शन, विजय लक्ष्मी पंडित। जी हाँ, विजय लक्ष्मी पंडित एक मात्र भारतीय महिला है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट, वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जी हाँ, आपको बताना है वर्ण भेद के विरुद्ध जो संयुक्त राज्य सम्मेलन हुए थे वे कहाँ हुए थे, तो इसका उत्तर होगा डरबन में। जी हाँ, डरबन जो है ये साउथ अफ्रीका में है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य का समय, यानी कि समय काम करने की जो होता है वह होता है 2 वर्ष। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया? तो इसका उत्तर होगा रूस। नेक्स्ट, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, फुल फॉर्म बताना है यूएनडीपी का, तो इसका उत्तर होगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। चलिए इसका मैं उत्तर बता देता हूँ, इसका उत्तर होगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी हाँ, यूएनडीपी का पूरा नाम जो होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, आपको बताना है यूनेस्को का मुख्यालय जो है वह है जेनेवा में। जी हाँ, यूनेस्को का पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम जो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर से सुन लीजिए, यूनेस्को का पूरा नाम जो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? जी हाँ, आपको बताना है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, तो इसका उत्तर होगा 42वां, जो कि 1946 में संशोधन हुए थे। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1946 में हुआ था, और इसी संविधान संशोधन में जो है प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा ये लाइक एवं कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप अपना स्कोर भी बता दीजिए, कितने आप सही किए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते ही रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।